मेरी स्क्रीन नजर आ रही? जी ऑलराइट, फोर्थ पेज डॉट एच टी एम एल अभी हमारे पास पड़ा होना चाहिए। गुड एनाफ, तुमने सेपरेट फाइल बनाई ताकि हमारी दूसरी फाइल करप्ट ना हो। तो अभी हम फोर्थ पेज को ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ पेज है, लॉगिन वाला पेज है नहीं, ये लॉगिन वाला। ओके, फोर्थ पेज डॉट एच टी एम एल को मैं ओपन कर लेता हूँ विद गूगल क्रोम। इसके अंदर अभी थोड़े से मर्जेस शायद इसके अंदर हुए हैं, लेकिन अभी हमने इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें हमें बॉटम पे जो हमने चैप्टर्स आ गया, टिकट्स आ गया, नंबर्स आ गया, और नंबर्स के बाद एक बॉटम वाला सिलेक्शन वाला पार्ट है, ऐसे ही जी। तो वो सिलेक्शन वाला पार्ट हम इसके अंदर इसके नीचे डाल देते हैं। सॉरी, ये चैप्टर AH2 क्लोज हो गया, फिर डिफ पे नंबर्स हो गए। नंबर्स हमारा क्लोज होने के बाद कंटेनर क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे ना हेयर और फॉर्म वेलकम, और जो हमारे पास इसके बाद एक और हमारा डब्बा बनेगा उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे क्या नाम बोलेंगे उसको, सिलेक्शन। सिलेक्शन वाला बॉक्स ही यहाँ से बन रहा था ना जी। तो ये जो मैं चीज़ें भी लिख रहा हूँ, ये समझ आ रही है मैं क्यों इधर लिख रहा हूँ? जी आ रही है। ओके, अच्छा, हमारे पास ना सबसे पहले आ गया टिकट्स, टिकट्स वाला पहला डब्बा, फिर हमारा नंबर्स वाला डब्बा, नंबर्स के बाद हमारा फॉर्म आ गया, फॉर्म के बाद हमारे पास जो फोर्थ बॉक्स है वो हमारा आ गया चैप्टर्स वाला, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमें हायरार्की समझ आ गई कि कंटेनर है, कंटेनर के बाद टिकट्स हैं, टिकट्स के बाद चैप्टर है, चैप्टर के बाद नंबर्स, नंबर्स के बाद हमारे पास सिलेक्शन, ठीक। अभी हमने जो हमें मेन प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको परमानेंट चेंज करने के लिए ना बिफोर कि मैं इसको रिफ्रेश करूँ और ये कोड मेरा मिसप्लेस हो जाए, तो आई ट्राई टू कॉपी ऑल ऑफ दिस कोड इनसाइड कंटेनर बॉक्स जो मेरे पास एक्चुअल हमारा एडिटर है उसके अंदर मैं खोल देता हूँ। इसका नाम है फोर्थ पेज डॉट एच टी एम एल, और इसमें हमारे पास नंबर्स, तो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर नंबर्स। अब मैंने अभी क्या चीज़ प्लेस करनी, मैं इसको फॉर्म, मैं इसको कंटेनर के अंदर जितना भी है इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास ये डिव, ये मेरे ख्याल से टैग क्लोज नहीं हो रहा, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, और कंटेनर आ गया जी। इसके अंदर मैंने अच्छा, अब मैंने ये सारी चीज़ें ना परमानेंटली इसके अंदर चेंज कर दी, मतलब कंटेनर के अंदर मैंने, सॉरी, मैंने कंटेनर पूरा ही कॉपी किया, तो बॉडी के अंदर पूरे के अंदर कंटेनर डालता हूँ। तो इधर मैं इसको कर देता हूँ कंटेनर, जो कि पूरी बॉडी के अंदर हमारा बॉक्स आ गया। तो मैं इसको, ये हमारा कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमारे पास अब चार डब्बे बने हुए हैं। सबसे पहले हमारा डब्बल डब्बा है जिसका नाम है टिकट्स, टिकट्स के बाद है दूसरा डब्बा चैप्टर का, तीसरा डब्बा है नंबर्स का, नंबर्स के अंदर हमारा फॉर्म आ जाएगा, और फोर्थ बॉक्स है हमारा सिलेक्शन का।
अब सिलेक्शन के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा था वो था कि हमारे पास 4 बॉक्सेस बने हुए थे, ठीक है। पहले वाला डिव था एक, उसके बाद फिर हमारा दूसरा डिव था, इसको मैं जो हमारा ऊपर वाला डिव है इसी को मैं यहाँ पे 4 मैंने डिविजन्स बना दिए, ठीक है। तो इधर मैं इसको एंटर करता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास 4 डब्बे बन गए इनसाइड सिलेक्शन, ठीक है। और अब इन 4 डब्बों के अंदर हमने अपने SVG आइकॉन्स प्लेस करने हैं और हमने अपने पैराग्राफ्स प्लेस करने हैं, फाइन, ठीक है। तो सिलेक्शन वाला बॉक्स तो मैं समझ आ गया, क्योंकि अब मैंने सिलेक्शन के अंदर 4 डब्बे बनाए हैं। इन 4 डब्बों को किस तरीके से मैं अभी उसमें प्रिंट करूँगा, दैट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रिकी पार्ट। तो मैं उस पार्ट को मेक श्योर करने के लिए ना वी कैन यूज़ मे बी फिग्मा, हम फिग्मा के ऊपर, तो मैं फिग्मा अपने कंप्यूटर में खोल लो बल्कि अभी फिग्मा अपने कंप्यूटर में, और फिर हम इसको अपने फिग्मा में ट्राई करते हैं। लेकिन पहले मैं इस पेज को अपने पास रिफ्रेश कर लेता हूँ, आया ये पेज मेरे पास नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो, ये हेयर और फॉर्म आ गया, सिलेक्शन वाला बॉक्स आ गया, सिलेक्शन के अंदर हमारे 4 डिविजन्स बने हुए हैं पहले से, फाइन। अब फिग्मा ओपन कर लेते हैं। ये हमारा है फिग्मा और फॉर एग्जांपल हम इसी पेज को स्टडी करते हैं कि इसमें हमारे पास नीचे 4 बॉक्सेस हैं। सबसे ऊपर सेलेक्ट योर स्लॉट्स है, फिर मेक पेमेंट है, फिर क्रिएट पासवर्ड है, फिर टिकट्स है। तो कैन यू सी इट इन योर फिग्मा फाइल, जो मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ, ओके गुड। तो जो मेरा माउस है ना, अब मैं इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इसकी हायरार्की बताता हूँ कि सबसे पहले हमने इन सारी, ये जो हमारा कंटेनर है वो कंटेनर वाला मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा कंटेनर होगा, इस कंटेनर के अंदर फिर हमारे पास, इस कंटेनर को हम बॉर्डर दे देते हैं, फिल ख़त्म कर देते हैं, स्ट्रोक ऐड कर देते हैं, और इसको मैं एक वाइट बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी हमारा ये सबसे पहले आ गया कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर हमारे पास 4 डब्बे हैं, ये तुम्हें पता है कैसे बनाने। तो सबसे पहला डब्बा परचेज टिकट का होगा, फिर हमारा दूसरा डब्बा होगा जिसको हम कहेंगे कि उसके अंदर आएगा बिल्डिंग योर सस्टेनेबल MVP। फिर उसके बाद हमारा एक और डब्बा आएगा, उस डब्बे को हम बोलेंगे नंबर्स, जिसके अंदर हमारा फॉर्म पड़ा हुआ है। और उसके बाद हमारा आखिरी डब्बा आएगा, उस डब्बे को हम बोलेंगे सिलेक्शन, ठीक है। तो अभी मैं इन चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा सेंटर पे कर लेता हूँ ताकि हमारा ये सेंटर भी अलाइन हो जाए। तो ये हमारा एक, हमारे 4 बॉक्सेस बन गए। दिस इज़ योर गुड टू गो, इतना तुम काम ईजीली कर लेती हो, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमने ये इन 4 चीज़ों को प्लेस करना है, 1, 2, 3, 4। अब अगर तुम इसको कंफर्टेबली बैठ के ना अपने देखो, उसमें अगर इसके ऊपर तुम थोड़ा सा इसको प्रोसेस करने की कोशिश करो, क्योंकि चीज़ बनाना प्रॉब्लम नहीं होता, उसको प्लान करना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मतलब आप अपने ना एवेल्यूएट कर लें कि आपके क्या स्टेप्स होंगे, किस तरीके से आपने इसको आगे बिल्ड करना है, सॉरी। तो अब मैंने इसके अंदर 4 डब्बे बनाए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। इन 4 डब्बों को मैंने वो तुम्हें बताया कि हमने इसके 4 डिविजन बना लिए, इतना भी तुम कर लेती हो, इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। और इन 4 डब्बों के साथ इन सारों को मैं इक्वली अलाइन कर लेता हूँ ताकि डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल्स के साथ। अच्छा, अब ये 4 डब्बे तुम बना के इनको इक्वली प्लेस तुम कर लेती हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस, ये वाला काम इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, तो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो यू कैन डू इट गुड। अच्छा, अब
अब जब प्रॉब्लम तुम्हें किस जगह पे होता है, जब तुम थोड़ा सा हाँ इसके अंदर चीज़ों को प्लेस करने की बारी आती है, क्योंकि फिर SVG का कोड लिखा हुआ आ जाता है, थोड़ा सा गड़समा मच जाता है, तो वो गड़समा मचने के बाद ना यू गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि अब मैं इसको क्या करूं, क्योंकि मैंने तो डिव बनाया, डिव के अंदर अब ये दो एलिमेंट्स प्लेस किए, फिर ये डिव है, डिव के अंदर दो, लेकिन जब वो सारा कुछ इकट्ठा एक ही फाइल में लिखा हुआ आ जाता है ना, तो इट बिकम्स काइंड ऑफ क्राउडेड, तो यू गेट कन्फ्यूज, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये येलो बॉक्सेस बन जाते हैं और हमारे पास ये सिलेक्शन वाला बॉक्स भी बन जाता है। प्रॉब्लम किस जगह पर आती है, मैं इस सारे को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम किस जगह पर आती है, जब ना अच्छा अभी ये थोड़ा सा मैंने जूम इन किया, अभी प्रॉब्लम इस जगह पे आती है जब हम ये चारों डिविजन्स बना लेते हैं, उसके अंदर हम आइकॉन्स को प्लेस करते हैं, उस टाइम पे तुम थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हो। एलिमेंट्स भी तुमने लास्ट टाइम प्लेस कर लिए थे, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। अब ये मसला है कि दीज एलिमेंट्स शुड फॉल इन द सेंटर ऑफ ईच बॉक्स, ऐसे ही है। मतलब मैं अगर इस बॉक्स का सेंटर निकालूं, तो मैं चाहता हूं कि जो भी एलिमेंट्स मैंने इस येलो बॉक्स के अंदर प्लेस किए हैं ना, वो इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर अलाइन होने चाहिए, ऐसे ही। तो सेंटर अलाइन करने के लिए हम एक बड़े मज़े की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ डिस्प्ले फ्लैक्स। अभी मैं ना वो असल में एरो निकालना चाह रहा हूँ, एरो है शिफ्ट लाइन से, सॉरी। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारी इसको प्रॉपर्टी लगेगी ना, वो प्रॉपर्टी होगी हमारी इसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट लाइन कर देते हैं। उसके बाद इसको तुम कहती हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये वाला काम हम गुड कर लेते हैं, इसमें हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े होते हैं येलो वाले बॉक्स के अंदर, वो इसके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको वाइट अच्छा, अब हमारे पास ना ये हो गया हमारा येलो वाला बॉक्स, येलो वाले बॉक्स के अंदर हमने सेलेक्ट योर स्लॉट जो भी इसके अंदर चीज़ें प्लेस की हैं, जब हम ये वाली प्रॉपर्टी येलो बॉक्स को देंगे, ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स इसके सेंटर पे आ जाएंगे। दूसरी चीज़ जो तुम्हें कंफ्यूज करती होगी येलो बॉक्स से रिलेटेड, वो ये चीज़ होगी कि अब ये येलो बॉक्स इटसेल्फ कोई हाइट नहीं ले रहा होगा, कोई इसके अंदर विड्थ नहीं होगी, तो दूसरी चीज़ तुम्हें जो इसको करनी चाहिए वो होनी चाहिए कि इसको यू शुड गिव अ विड्थ, विड्थ ऑफ मे बी 300 पिक्सल, और उसके बाद यू शुड गिव इट अ हाइट ऑफ मे बी 300 पिक्सल, क्योंकि प्रॉपर बॉक्स है तो इट शुड लुक लाइक अ बॉक्स। तो जब तुमने इसको दे दी ना विड्थ और हाइट, उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टीज इसमें फंक्शनल होंगी, क्योंकि हमने इसको सेंटर पे प्लेस करना, तो दिस बॉक्स शुड बी अ प्रॉपर बॉक्स, ना कि ये कोलैप्स टाइप का बॉक्स हो, इस तरह का बॉक्स तो नहीं होगा ना जिसके अंदर ये चीज़ें सेंटर पे आएंगी। चीज़ें तब इसके सेंटर में आएंगी जब इस बॉक्स को एक विड्थ और हाइट तुम दोगी, और उसके बाद तुम बोलोगी कि नाउ प्लेस ऑल द कॉन्टेंट इन द सेंटर ऑफ दिस येलो बॉक्स, फिर क्या होगा, फिर वो इसको अप्रोप्रिएटली इसके बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर देगा, ठीक है। अब इन दो चीज़ों को जो प्रॉपर्टीज, इन दो चीज़ों को क्या तुमने प्रॉपर्टीज देनी है, मतलब ये जो दो चीज़ें हैं,
मेरे ख्याल से इन दोनों को कोई भी प्रॉपर्टी देने की शायद तुम्हें जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये सेंटर पे ऑलरेडी आ चुके होंगे और सेंटर पे होंगे, ये भी सेंटर पे होगा, ये भी सेंटर पे होगा। अब इनको तुमने मतलब ये SVG आईकॉन है और उसके बाद फ़ौरन एक पी टैग है, तो इन दोनों को जब तुमने ऑलरेडी सेंटर में रखा हुआ है, मतलब जब तुमने डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट, तो ये ऑटोमेटिकली डब्बे के, येलो डब्बे के बिल्कुल सेंटर में आ गए। अब तुम्हारा ये वाला डब्बा मेरे ख्याल से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी तुम्हें एडजस्टमेंट शायद करनी पड़े, तुम्हें कहना पड़े कि जो मेरा SVG आईकॉन है ये बिल्कुल मेरा टॉप के साथ, ये हो सकता है इस तरीके से ना टॉप के साथ स्ट्रेच हो, मतलब ये थोड़ा सा इस, सॉरी मैं कहता हूँ कि शायद तुम्हारा जो ये SVG आईकॉन है ये हो सकता है इस तरह ऊपर चला जाए कहीं पे जब तुम इसको प्लेस करो इसके अंदर। तो अब इस SVG आईकॉन को थोड़ा सा नीचे करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज तुम्हें इसको थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर पैडिंग देनी पड़े या मार्जिन देना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं पैडिंग टॉप, तो पैडिंग टॉप फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल, जब तुम इसको पैडिंग टॉप दोगी तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टॉप से नीचे की तरफ इधर नीचे स्ट्रेच हो जाएगा, अप्रोप्रिएटली अपने आप को प्लेस कर लेगा। इसका कलर क्यों बार बार, अच्छा हमने येलो बॉक्स को दे दिया फ्लैक्स, इसके अंदर SVG आईकॉन है, पैराग्राफ टैग है, इन दोनों को इस येलो बॉक्स के अंदर हमने सेंटर में प्लेस कर दिया। अब इस बॉक्स के सेंटर में चीज़ें अगर तुम्हें आइसोलेशन में मैं बोलूँ कि सदफ क्रिएट अ न्यू बॉक्स और उसको मतलब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक अलादा से सदफ तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि तुमने बॉक्स बनाना है और किधर दी है अपने अच्छा ये फ्रेम है, मैं कहता हूँ सदफ इसके बिल्कुल तुमने सेंटर पे ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे तुमने येलो बॉर्डर देना है, तो मतलब पेज के बिल्कुल सेंटर में, यानी पेज को पूरा एक पेज को बॉर्डर दो और स्ट्रोक करके इसको बॉर्डर दो और उसके सेंटर पे दो डब्बे बनाओ, मतलब एक डब्बा इधर बन जाए और एक डब्बा इस जगह पर बन जाए। अब अगर ये मैं तुम्हें अलादा से आइसोलेशन में बोलूँ ना कि सदर ये दो चीज़ें तुमने बनानी हैं, तो मेरे ख्याल से तुम बड़ा कंफर्टेबली इस डब्बे को भी बना लोगी और इसके अंदर ये दो बॉक्सेस भी रख लोगी, यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ एन SVG आइकॉन, यू हैव टू कॉपी इट एज SVG और दिस इज़ अ पी टैग, ठीक है, तो तब भी तुम इसको ईजीली कर लोगी, फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तुम्हें कब आता है, जब तुम्हारे पास सारा कोड इकट्ठा लिखा हुआ आ जाता है, जंबल अप हो जाता है, जब जंबल अप होना शुरू होता है यू स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि यार इतना ज़्यादा कोड है, अब इसमें मैंने कोई चीज़ ब्रेक कर दी फिर वो मैं रिपेयर कैसे करूँगी, और क्योंकि स्टार्ट में ना चीज़ें ब्रेक होती हैं तो वो रिपेयर फौरन नहीं आप कर सकते, ढूंढने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इसको ना डब्बा बनाने से पहले अपने पेज के ऊपर वर्किंग करो कि मैंने डब्बा किस तरीके से बनाना है, उसके अंदर चीज़ें कैसे सेट करनी है, ठीक है, स्लोली। जब तुम्हारे पेज के ऊपर प्लानिंग पूरी हो जाती है, पेज के ऊपर तुमने इसी तरीके से जिस हमने फिग्मा में प्लानिंग की है कि जब हम पेज के ऊपर आए तो हम इसी तरीके से पहले प्लानिंग करें आप कि जी हमने ये चार डब्बे बनाए, इन चारों को मैंने रिमूव किया, और मतलब जब पेज के ऊपर तुमने लिख लिया कि ओके दिस इज़ द बॉक्स, इट हैज़ दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी फ्लैक्स, इट शुड हैव अ विड्थ एंड अ हाइट, and then at the top it should have some kind of padding or some kind of margin ताकि ये अपने आप को सेंटर में प्लेस कर ले। तो जब तुमने पेज पे वर्किंग कर ली ना, फिर उसके बाद इट बिकम्स रिलेटिवली ईजियर फॉर यू। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ऑल यू हैव टू डू इज ओपन योर कोड एडिटर, उसके अंदर इन सारी चीज़ों को बारी बारी प्लेस करना शुरू कर दो, ठीक है। जब तुम अपने कोड एडिटर के अंदर इनको प्लेस करोगी, मैं पहले तुमने ये SVG आईकॉन प्लेस किया, फिर पैराग्राफ, फिर तुमने दूसरे के अंदर इसको कॉपी किया पेस्ट किया, ये पैराग्राफ टैग बनाया, फिर तुमने तीसरा कॉपी किया पेस्ट किया इसका पैराग्राफ, फिर तुमने फोर्थ काम किया, तो ये जो HR वाली लाइन है ना, फिलहाल इसको हम भूल जाते हैं, मतलब दिस HR लाइन इज़ द नेक्स्ट स्टेज। जब हमने अप्रोप्रिएटली इन चारों बॉक्सेस के अंदर इन एलिमेंट्स को प्लेस कर लिया है और हमने इनके बॉर्डर्स को रिमूव कर दिया है, उसके बाद वी कैन जंप टू द लाइन, लेकिन जंप हमने लाइन पे तब तक नहीं जाना जब तक चारों बॉक्सेस नहीं बनते, और चारों बॉक्सेस पे तब तक नहीं जाना जब तक हमारा एक बॉक्स नहीं बन जाता, ठीक है।
जब तक हमारा एक बॉक्स नहीं बन जाता येलो कलर का और उसके अंदर चीजें अप्रोप्रिएटली प्लेस नहीं हो जाती, टिल दैट टाइम वी कैन नॉट गो टू द अदर थ्री बॉक्सेस. पहले हमने अपनी यानी हमने बिट बाय बिट इस चीज को बिल्ड करना है. ऑलराइट, तो जब तुम इसको जब इसको तुम बिट बाय बिट बिल्ड करोगी तो इट विल स्टार्ट वर्किंग. ठीक है ना. इसके अंदर तुम्हें कोई कंफ्यूजन या यू थिंक कि देयर इज समथिंग रॉन्ग व्हिच यू शुड बी नोइंग? हां नहीं. ओके, तो ये तुम्हारे पास पड़ा हुआ है फिग्मा की फाइल, तुम ओपन करोगी ये चीज ऐसे ही लिखी होगी तुम्हारे सामने. अब हम नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट चीज पर डिस्कस करते हैं कि हमारा फॉर्म क्या है. ठीक है ना, व्हाट इज अ फॉर्म. अब फॉर्म को फॉर्म के अंदर ना हमारे पास सबसे पहले हमारा है लेबल. ठीक है, इसको मैं कह देता हूं. सॉरी, हां हां, ये सिर्फ फोर ब्लॉक्स बनाने हैं, इनके दरमियान लाइन ही बनानी. लाइन हम ना तब बनाएंगे जब हमारे चारों बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली प्लेस हो जाते हैं. ठीक है ना, मतलब जब हमारे अप्रोप्रिएट, फिर उसके बाद हम लाइन पे जाएंगे. ठीक है, ठीक है. लाइन पे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फिर दिस विल बिकम कंफ्यूजिंग फॉर यू. मैं तुम्हें फिलहाल छोटा काम दे रहा हूँ इस पार्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये छोटा पार्ट इन इटसेल्फ ये छोटा नहीं है. ये बेसिकली दिस इज योर एंटायर असाइनमेंट, कि तुमने इस तरीके से एक डब्बा बिल्ड करना है, उसके अंदर दो चीज़ें रखनी है, उनको हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है, वर्टिकल अलाइन करना है. और यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट इवन इफ इट इज 10x10 पिक्सल ब्लॉक या फिर इट इज अ फुल बॉडी पेज. नॉर्मली क्या होता है, तुम इसको अंडर एस्टिमेट कर देती हो कि ये तो बहुत छोटा सा डब्बा है, ये तो मेरे से फौरन बन जाना चाहिए, मैंने पूरा पेज ड्रॉ किया लैंडिंग पेज का, तो why it is not happening? तो वो तुम अंडर एस्टिमेट करती हो, फिर तुम इसके अंदर शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करती हो और ऑटोमेटिकली तुम्हें लगता है शायद मुझे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है ये, क्योंकि छोटा सा कोड लिखना है ये मेरे से लिखा नहीं जा रहा. तुमने इसको आइसोलेशन में नहीं देखना, तुमने इसको ऐसे ही देखना है, चाहे वो छोटा बॉक्स है या चाहे पूरे पेज का बॉक्स है, कि ये फुल फ्लेज एक पेज है, इट इज़ अ फुल वेबसाइट. ऑलराइट, ईच डिव टैग कैरीज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. तुमने हर एक चीज को पूरी वेटेज देनी है, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी डिव 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 और फिर सारे वो आपस में कोलैप्स कर जाएं. वो इसलिए क्योंकि हम उसको छोटा समझ के ना लाइटली ट्रीट कर रहे हैं, तो वो इसलिए वो चीज़ बिल्डअप नहीं होती. तो फिलहाल हमने उसे छोटा नहीं समझना, फिलहाल हमने उसे समझना है कि यार ये पूरा एक मेरा वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर मेरे ये पास ये दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को मैंने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइन करना है, दिस शुड फॉल इन द सेंटर ऑफ दैट बॉक्स. और जब तक मेरा ये वाला बॉक्स प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो जाता इन आइसोलेशन, till that time I cannot move to the next three boxes. समझ आ रही है ना? तो हाँ, do you think it is a problem that is happening at your level or not? नहीं, यहाँ पे नहीं. तुम्हें ये फील होता है इस तरह का प्रॉब्लम कि it becomes jumbled up and then it becomes confusing, होता है ना? तो वैसे होता है, तुम इसको आइसोलेशन में देख, आइसोलेशन में नहीं देखती. तुम देखते हो यार ये पूरी वेबसाइट बना दी है, ये छोटा सा डब्बा नहीं बन रहा है, ये क्या मुसीबत है. सही है ना? जी, तो इसको आइसोलेशन में नहीं देखना है. दिस एंटायर बॉक्स, वन येलो बॉक्स इज अ कंप्लीट वेबसाइट फॉर यू. इसको बिल्ड करने के लिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तब तक ये चीज बिल्ड अप नहीं होगी. जब ये बिल्ड होगी फिर हम अगली तीन स्टेज इसके ऊपर मूव करेंगे. सही है. अब मैं इस चीज को इधर क्लोज इसलिए कर रहा हूँ, येलो ये लाइन में तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि दिस लाइन इज द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है, ठीक है. ये ऐसे है जैसे अब हम इसको थोड़ा सा निटी ग्रिटी में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले मैं हम निटी ग्रिटीज को हैंडल करना सीख जाए. जब तुम ये चार बॉक्सेस ठीक तरीके से बना लोगे ना, तो तुम्हें टाइनी बिट्स ऑन एनी वेबसाइट हैंडल करना आ जाएंगी. यानी वो तुम्हें थोड़ा सा वो पेशेंस दे देंगी कि अच्छा छोटा पीस भी है लेकिन इट इट डिजर्व सम टाइम. तो फिर तुम उसको जब बिल्ड करोगे फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइनी बिट के उधर की तरफ मूव करेंगे. तो इसलिए मैं टॉपिक को यहाँ पे, नीचे वाले टॉपिक को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट टॉपिक को मूव कर रहा हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ये ईमेल का लेबल है. अब दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म. ऑलराइट, व्हाट इज अ फॉर्म. फॉर्म इज बेसिकली जिसके अंदर आप अपना यूजर नेम लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, दैट इज अ फॉर्म. अब इस फॉर्म को ना मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि ये जो हमारा आउटर पड़ा हुआ है ना बॉक्स, इसको मैं बोलता हूँ दिस इज अ फॉर्म. अब इस फॉर्म टैग के अंदर, दिस फॉर्म टैग नेक्स्ट हैज फ्यू प्रॉपर्टीज इनसाइड इट. अभी तुमने मेरे नाम के ऊपर क्लिक किया हुआ ना, जो ताकि तुम्हें मेरा माउस अप्रोप्रिएटली. हाँ जी, अच्छा. अब मैं
हाँ बिल्कुल। अब तो मैं मेरा माउस मूवमेंट नजर आनी चाहिए ना, ठीक है, कि जी मेरा माउस किस जगह पे मूव कर रहा है और मैंने जूम इन किधर किया होगा। ठीक है, ठीक कैन यू सी माई जूम इन पार्ट? है कासिम भाई, ये वाला हाँ अभी तो मैंने क्या स्क्रीन खोली हुई है। हाँ ये येलो एरो, हाँ ये है ना, ये मेरा एरो है। और मेरी स्क्रीन ये कितनी नज़र आ रही है तुम्हें? स्क्रीन आपकी मैंने मिनिमाइज की क्योंकि मैं ये देख रही हूँ। हाँ नहीं जी नहीं स्क्रीन ही यानी फिग्मा के अंदर ही तुम्हें कितना एरिया शो हो रहा है? लाइक आई राइट नो व्हाट इज इन माय फोकस, इट इज ओनली अ फॉर्म एंड देन देयर इज सम ब्लू बैकग्राउंड, ऐसे ही है। फिग्मा के अंदर तो मुझे पेज 10, ये जो 25 सेकंड वाला पेज है पूरा नजर आ रहा है। हाँ ये पूरा पेज नजर, मैं तुम अगर मेरे सर्कल के ऊपर क्लिक करो ना तो मैंने जितना एरिया जूम किया हुआ है वो भी तुम्हें नजर आएगा कि मैं अभी किस जगह ठीक पे है जूम। ये, हाँ अभी मैंने ये फॉर्म है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है और मेरी स्क्रीन की बॉर्डर क्या है? कैन यू सी द बॉर्डर ऑफ माई स्क्रीन? कैन यू टेक योर माउस एंड मूव टू द बॉर्डर ऑफ द स्क्रीन राइट नाउ इन फिग्मा? मतलब राइट कॉर्नर किधर? जी मेरा राइट कॉर्नर ये है, तुम्हारा भी राइट कॉर्नर यही होना चाहिए, यही है राइट कॉर्नर। हाँ जी और मेरा लेफ्ट कॉर्नर ये है, तुम्हारा भी लेफ्ट कॉर्नर ये होना चाहिए, ठीक है ऐसे ही है ना? लेफ्ट कॉर्नर पेज हाँ के जी। अंदर पूरा पेज तो नहीं खुला हुआ तुम्हारे पास, पूरे का पूरा फॉर्म और वो सारा कुछ। और मेरा बॉटम ये है जहाँ पे पैडिंग top 3 pixel आधा लिखा हुआ है, आधा नज़र आ रहा है आधा नज़र नहीं आ रहा, ऐसे ही है तुम्हारे पास? ऑलराइट। जी अच्छा अभी ना फॉर्म के अंदर हमारे पास फिर हमने फॉर्म के अंदर टैग, अब ये फॉर्म है ना, फॉर्म को हाँ जी हमने जब भी डिफाइन करना है तो इसके अंदर हमने एक उसको देना है होता है मुझे ना। अच्छा मैं इसको, कौन हाँ सबसे पहले कौन फॉर्म के टैग? अंदर आपने देते हैं, आप इसके अंदर दो जैसे उसके अंदर आप क्लास टैग देते हैं ना, क्लास टैग ओके देते हैं डिव के अंदर, तो इसको भी आप क्लास टैग दे जी सकते हैं, देर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन इसकी दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक आपने इसे कौन एक्शन देना सी होता है और दूसरा आपने इसे आईडी देनी होती क्लास? क्या एक आईडी देना होता है, दूसरा क्या देना होता है? है। ये देखो क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ, फॉर्म एक्शन हाँ तो दूसरा क्या देना होता है आईडी और पहला क्या देना होता है? टैग फॉर्म का, क्या देना होता है? वो फॉर्म का टैग फॉर्म टैग है, फिर उसके बाद एक्शन है, फिर आईडी है। एक्शन फिर आईडी। हाँ जी तो अभी ना ये फॉर्म हो गया हमारा टैग का नाम, ठीक है, दिस इज अ टैग। ठीक है अब इस टैग के अंदर मैंने अब ये टैग किसी जगह पे क्लोज भी होगा, ठीक है, तो जी मैं इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे किसी जगह पे क्लोज कर दूँगा, ठीक है ना? हाँ जी तो इससे क्या होगा कि ये मेरा फॉर्म फॉर एग्जांपल ये पूरा फॉर्म मेरा बन गया है, इसके अंदर मेरे तमाम एलिमेंट्स प्लेस ठीक होंगे, ठीक है। ठीक तो अब इस फॉर्म को ये हो गए टैग, दिस इज पी टैग, जिसमें ठीक पैराग्राफ टैग है, डिव टैग है, H1 टैग है, बॉडी टैग है, हेड टैग है, HTML टैग है, ये टैग हैं जो हमारे स्टार्ट ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में आते हैं, दीज आर हाँ बेसिकली जी टैग्स, ठीक है। ठीक है अब इन टैग्स के अंदर हम डिव की टाइम पे क्या करते हैं, उसके टाइम हम क्लास दे देते हैं उसको एक ठीक एट्रीब्यूट, तो दिस इज अ टैग, इसको मैं बोलता हूँ कि जो हमारे पास ये फॉर्म, दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड अ टैग। ठीक तो है अब इस टैग के अंदर जब हम कोई एलिमेंट देते हैं तो जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी आईडी है साइन अप फॉर्म, ठीक ठीक है, है तो ये आईडी जो है ना साइन अप फॉर्म, व्हाट डज इट डू, व्हाट इज दिस आईडी, ये जो आईडी है दिस आईडी इज बेसिकली एन एट्रीब्यूट ऑफ दिस फॉर्म, ठीक ठीक है ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना? अब इस फॉर्म का यानी इस फॉर्म टैग का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? आईडी, आईडी आईडी की एक वैल्यू है, ठीक है, ठीक है इट हैज अ वैल्यू यार, इट हैज अ वैल्यू, जी वैल्यू ऑफ
आईडी एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ गई? यानी मैंने इसको जब हम, ठीक है ना, अब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ एक लिखी, मैंने कहा यहाँ पे डिव है, क्लास है, इसका नाम है सदफ, और इसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, और इधर मैं इस डिव को क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे बताओ इसमें टैग का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टैग इन दिस बॉक्स? टैग तो डिव है और क्लास सदफ। हाँ, एक इसमें चीज है जस्ट, अच्छा बारी बारी मुझे बताओ, एक इसमें टैग है, उसके बाद एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, और एक वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मुझे बताओ इसके अंदर, मुझे सबसे बताओ पहले टैग क्या नाम है, फिर एट्रीब्यूट बताओ क्या है, और वैल्यू ऑफ विच एट्रीब्यूट ये क्या है, मुझे इसको पहले थोड़ा सा समझाओ। इसमें जो पहले डिवीजन है, इस पूरे बॉक्स के अंदर, तो व्हाट इज द टैग, टैग क्या होगा? टैग जो ब्रैकेट्स लगाते हैं वो, और उनके सॉरी टैग डिवीजन है। टैग डिवीजन ये हो गया डिवीजन। अब मुझे बताओ इसमें एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट अभी हमने जो एट्रीब्यूट भी दिया सिर्फ क्लास, क्लास इज एन एट्रीब्यूट, ठीक है, ठीक है। Whatever we write ahead of a div tag before the equal sign, it is an attribute. इधर मैं इसको क्लास भी लिख सकता हूँ, इधर मैं इसको डाटा भी लिख सकता हूँ, इधर मैं इसको आईडी भी लिख सकता हूँ, इधर मैं इसको, मतलब whatever comes before the equal sign, ये हमारे क्या है? What are class, data and ID? Class है वो हमारे पास attribute है। हाँ, data क्या है? Division भी हमारे पास tag है। Data क्या है? डेटा आईडी है। नहीं नहीं, डेटा क्या है? डेटा इज आल्सो एन एट्रीब्यूट। व्हाटएवर कम्स बिफोर द इक्वल साइन इनसाइड दीज ब्रैकेट्स, इट इज एट्रीब्यूट, ठीक है जी। देखो जैसा मैंने ये एट्रीब्यूट लिखा ना, तो दिस एट्रीब्यूट इज आईडी इज एन एट्रीब्यूट, ठीक है, ठीक है। आई डी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। अच्छा, तुम लेट तो नहीं हो रही? जी हो रही। हाँ चलो ठीक है, बस यहाँ पे क्लोज करते हैं। तुम इनको ना, तुम्हारी असाइनमेंट है, तुमने मुझे सुबह बताना है व्हाट इज टैग, टैग क्या चीज़ है, फिर उसके बाद तुमने मुझे बताना है एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, ये लिख लो, और तीसरी तुमने मुझे बताना है वैल्यू क्या चीज़ है। या सर्च करो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, रट्टा लगा के किसी जगह से देख के इन तीनों चीज़ों को मुझे समझ के तुमने बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन अ टैग एंड एट्रीब्यूट ऑफ अ टैग एंड द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये तुम्हारी आज की, यानी जो तुमने चीज़ें वर्कआउट करनी है और चेक करके तुम्हें मुझे बतानी है, तो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर, ठीक है ना? ठीक है। तो इस चीज़ को वर्कआउट करो, जस्ट लेट मी नो जब ये कंप्लीट हो जाती है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे कि फॉर्म क्या चीज़ है और इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्लोज करते हैं, चलो सुबह यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।